मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। इस समय कोई खास वेदर सिस्टम पूरे भारत में दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे हुए पाकिस्तान पर है। एक पश्चिमी विक्षोभ है जो अफगानिस्तान के ऊपर देखा जा सकता है और वो अब धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा, यानी कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों की तरफ आएगा और 31 तारीख की रात से ये अपना इम्पैक्ट देना शुरू करेगा, यानी कि स्नोफॉल और बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसके कारण ये बादल जो आपको दिखाई दे रहे हैं आंध्र और तमिलनाडु के तट पर, यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लक्षद्वीप के नीचे है और यहाँ से एक ट्रफ रेखा आ रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा भारत लगभग साफ है, कोई भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ बादलों का समूह देखा जा सकता है। तो अब जो वेदर सिस्टम, जैसे मैंने बताया था, पश्चिम विक्षोभ यहाँ पर है, एंटी साइक्लोन है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है। तो अब जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से पूरे भारत में, यानी कि ज्यादातर इलाकों में, उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई इलाकों में दिखाई दे रही हैं। और ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं ये और आगे आकर के जब इस तरह से टर्न लेती हैं तो उत्तर पूर्वी हो जाती हैं। और उत्तर पूर्वी हवाएं क्या होती हैं कि जब बंगाल की खाड़ी से नमी लेती हैं तो ये नमी वाली हवाएं जब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं तो बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट हैं, जैसे कि कावाली, तिरुपति, नल्लोर और उसके आसपास के इलाके, और उसी तरह से तमिलनाडु के जो उत्तरी इलाके हैं जैसे कि चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि ज्यादा बारिश नहीं थी, हल्की फुल्की बारिश थी और जो साउथ केरला है वहां पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो अब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होने वाला है, क्योंकि जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं ये लगातार चलती रहेंगी और नमी जो लेकर के ये बंगाल की खाड़ी से आएंगी और बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। 29 तारीख से या 30 तारीख से हमें उम्मीद है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून वो सेट हो जाएगा और उस समय बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी और नवंबर के पहले सप्ताह में कई इलाके, यानी कि जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, रॉयल सीमा है, केरल के कुछ इलाके हो गए और ज्यादातर तमिलनाडु के हिस्से हैं, वो बारिश की गतिविधियां देखना शुरू कर देंगे और नॉर्थ ईस्ट मानसून धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जैसे आप सबको पता है कि जो तमिलनाडु है वो पूरे साल में जितनी बारिश लेता है उसका 60% जो है वो केवल इन 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलती है। यानी उत्तर पूर्वी मानसून इस इलाके के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उस समय जो जमीन में पानी की कमी है वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो ये तो रहा दक्षिण भारत के बारे में, अब उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। तो ये जो पश्चिम विक्षोभ है ये 31 तारीख की रात तक पहुंचेगा और उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ये लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल देगा और हल्की बारिश देगा। उत्तराखंड के ऊंची पहाड़ियों पर भी हल्का स्नोफॉल और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ है जो 3 तारीख से लेकर के 4 या 5 तारीख तक काफी बड़ा स्नोफॉल, यानी कि वो इंटेंस ज्यादा होगा और स्नोफॉल पूरे इलाके में काफी अच्छा होगा, भारी स्नोफॉल भी हो सकता है। और उसके बाद जब स्नोफॉल हो जाता है और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाता है, धूप निकलती है और जब बर्फ पिघलने लगती है तो कभी कभी क्या होता है कि जो एवलांच प्रोन इलाके हैं, यानी कि जो हिमस्खलन जैसे इलाके में ज़्यादा होता है, उसके लिए वार्निंग दे दी जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये स्लैब होता है जो इसका बर्फ का, वो काफ़ी जब जम जाती है बर्फ तो भारी हो जाता है, अगर उसकी निचली परत में कुछ क्रैक है या गर्मी के कारण वो पिघलती है तो वो पूरी बर्फ सरकती है और अपने साथ नीचे वाली बर्फ को और जो चट्टाने हैं, पेड़ है, पौधे हैं और जो मिट्टी है, इस सब को बहा के ले जाती है, जिसको हम कहते हैं एवलांच या हिमस्खलन, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान कभी कभी हो जाता है। तो उसके लिए, यानी कि पहले तो बर्फबारी होगी और उसके बाद एवलांच की सिचुएशन भी बनने की संभावना है, उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। और अगर ये देखा जाए तो एंटी साइक्लोन के कारण घड़ी की दिशा में हवाएं बहती हैं और ये उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं जो हैं ये पूरे भारत में ज़्यादातर इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में है और दिल्ली का तापमान कई दिनों से 15 डिग्री से नीचे बना हुआ है, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर नीचे बना हुआ है। पिलानी में भी जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा कम था। तो अभी ज़्यादातर इलाके जो हैं वो सुबह की जो सर्दी है वो महसूस कर रहे हैं और मिनिमम टेम्परेचर कई इलाकों में जो नॉर्मल से कम है और जो गर्मी है वो दिन में अभी भी देखने को मिल रही है, यानी कि तापमान दिन में
गर्म है, 35-36 डिग्री तक गुजरात और राजस्थान में जा रहे हैं। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, और यही मैंने आपको बताया कि यही बीमारी का जड़ होती है कि जब यानी कि सुबह सर्दी होती है, दिन गर्म हो जाता है, तो ये बीमारियां पकड़ लेती हैं। और धीरे धीरे नवंबर के महीने में जाकर के, सेकेंड वीक में जाकर के दिन के तापमान भी गिरने लग जाएंगे, सर्दी की शुरुआत हो जाएगी, बुलंस निकल आएंगे, आपको स्वेटर वगैरह पहनना पड़ेगा, जर्सी वगैरह पहनना पड़ेगा। ये उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से तापमान कहाँ गिरने वाले हैं। अगर हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये सारे इलाके अब शुष्क हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि नहीं है। सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है। उत्तर पूर्वी भारत में जो बारिश की गतिविधियाँ थी वो भी अब समाप्त हो गई हैं, और अगले कई दिनों तक हमें कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा जो बारिश दे। कभी कभी क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे बढ़ता है तो ये हिमालय की तराई के साथ साथ यहाँ पहुँचता है, और उस समय असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में रेन और कभी कभी स्नोफॉल देता है। तो ये जो यानी कि 6-7 तारीख के आसपास ही देखने को मिलेगा, तब तक के लिए मौसम यहाँ शुष्क बना रहेगा। मध्य भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, और ये उत्तर पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं और यहाँ पर अगर उत्तरी हवाएं हो रही हैं तो ये तापमान को गिरा रही हैं, खास करके मिनिमम टेम्परेचर। और जो कड़ाके की सर्दी है वो हम कह सकते हैं कि 5 नवंबर के बाद आएगी, जब स्नोफॉल हो चुका होगा, वहां से बर्फीली हवाएं जब यहां तक पहुंचेगी तो तेलंगाना तक तापमान गिर सकते हैं, और उस समय कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आगे भी आप स्काई मेट वेदर देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।